अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं मैं प्राची सुपो कोचिंग आई एस वो टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं आज की वीडियो में हम जैसा कि हमेशा करते हैं सुबह आठ बजे लाइव क्लास द हिंदू न्यूज़ पेपर एनालिसिस आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग हम टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और एक ऐतिहासिक समझौता भी जो है पास हो गया है आपको याद होगा कि कल के न्यूज़ एनालिसिस के टाइम पर हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की थी राइट right? और मैंने आपको कहा था कि अब ये न्यूज इन कॉन्टीन्यूशन रहेगी और आने वाले टाइम में काफी सारे इस पर हम जो है आर्टिकल्स भी पढ़ने वाले हैं तो आज फाइनली कल हमने बात की थी कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं और आज फाइनली हमने देखा एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हो गया है क्योंकि कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इंडिया भी एक पार्टी है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही इसको जैसे जैसे इस पर आर्टिकल्स आते रहेंगे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे आप मुझे ये बताइए क्या कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको कल जो पढ़ाया था वो आपको याद है क्योंकि उसके बीस पर एक बहुत में पूछने वाली हूं। इसके अलावा हम में, इंडिया की जो भूमिका है उसको लेकर एक आर्टिकल शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया उस पर चर्चा करेंगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या, आ सकता है, क्या नहीं आ सकता और आ, मैं उन लोगों से आ, विनर्म निवेदन करना चाहूँगी जिनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आंसर राइटिंग पुराने वाले भी रिव्यू कर दो देखो आप सबको पता है मेरे दिन में कितनी क्लासेस आती है राइट एंड उन क्लासेस के लिए मुझे ये पेपर टीस प्रिपेयर करने रहते हैं कॉन्टेंट बनाना रहता है तो बहुत कम टाइम मिल पाता है समटाइम्स तो मतलब बहुत ही कम टाइम मिल पाता है और कितना ओपनली मैं आपको बताऊँ तो जब जब पॉसिबल होगा मैं रिव्यू कर दूंगी राइट जब भी मुझे लगेगा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है क्यों ना आप लोगों से चिटचट कर ली जाए तो वो मैं डेफिनेटली करूँगी प्लीज डोंट वरी अबाउट इट अभी आप लिखिए लिखना बहुत जरूरी है है ना लिखेंगे तो चीज़ें क्या हैं काफ़ी अच्छे से आपकी कवर हो जाएंगी राइट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसी चल रही है भाई पढ़ाई है ना तबीयत ठीक है सब लोगों की देखो सर्दियाँ आ गई हैं मैंने सुना है उत्तर भारत में काफ़ी ज़बरदस्त वाली है ना यहाँ तो अभी ए सी चल रहा है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम ऑल्सो वेरी गुड काजल थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग थैंक यू सो मच तो चलिए है ना बातें करेंगे बाद में स्टार्ट करते हैं क्लास और मैं जस्ट एक ग्लास वाटर का लेके आ जाती हूँ जस्ट अ सेकेंड ओके okay, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दिस इज अबाउट मी मैं ही अपने बारे में देख लेती हूँ आपके साथ <laughs> मजाक को एक साइड में रखते हैं टेलीग्राम चैनल एक्चुअली आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको कहा था हम एक लाइव जो है इंट्रैक्शन रखेंगे वन टू तो वन बात करेंगे लेकिन वो तब होगा जब हमारे लाइव काउंट जो है हंड्रेड हो जाएंगे तो जैसे हंड्रेड लाइव काउंट हो जाएगा हम उन सब हंड्रेड लोगों को बोलेंगे कि आप आ सकते हैं और हमें हमारे टेलीग्राम इंट्रैक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग पहले दिन से मेरी फैमिली है जिनके सबके नाम में बाय हार्ट जानती हूँ तो वो तो भाई मेरा परिवार है ही वो तो साथ रहेंगे वी आर तो द टेक्स्ट बुक फैमिली राइट तो हमारा तो एक बंधन बंध गया है और ये बना रहेगा यूपीएससी की तैयारी में मैंने आपको कहा था कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल रिलेशन से हम कवर करने वाले देखिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी इसलिए है अटेम्प्ट करना क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है और वो हर एक तरीका राइट होगा जैसे इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया की क्या है ना जो ऑपरेस्ड और मार्जिनलाइज्ड नेशन थे यानी कि जो उत्पीड़ित और बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो उपेक्षित राष्ट्र थे उनके नेता के रूप में इंडिया की एक लंबी छवि रही है बहुत लंबे टाइम से हमारी एक इमेज रही है कि हम जो है मार्जिनलाइज्ड नेशंस जो होते हैं उपेक्षित राष्ट्र जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अभी न्यू फाउंड रोल इन दमर्जिंग ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि एक उभरती हुई नई वैश्विक व्यवस्था एक नया जो ग्लोबल ऑर्डर आ रहा है उसमें भारत को एक न्यू फाउंड रोल मिला एक नई भूमिका भारत को मिली है तो क्या भारत की वो जो पहचान थी उपेक्षित राष्ट्रों के लीडर वाली क्या वो अब लुप्त हो गई है क्वेश्चन ने पूछा इलाबरेट विस्तार से समझाइए अब देखिए कुछ लोग एग्री करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो है अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कई बार कई लोग ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं कि हाँ इंडिया ने क्या किया है एक रिसेंटली नई इमेज उसको मिली है और ये थोड़ा सा जो है उपेक्षित राष्ट्रों के जो हम लीडर के रूप में थे वो थोड़ा सा कम हो गया है ये एक गलत तरीका होगा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का क्वेश्चन ने आपको फसाया

लेकिन इस रोल के जरिए इंडिया और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है जितने भी मार्जिनलाइज नेशंस थे फिर आप कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए जैसे साउथ साउथ कोऑपरेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए अभी जी में जयशंकर जी ने बोला ना कि जो साउथ वर्ल्ड है है ना उसका हम प्रतिनिधित्व करेंगे इस तरह के एग्जांपल दे दीजिए आप बताइए कि शाख के माध्यम से जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं उनको लेके जो है भारत एक लीडरशिप लेकर निकल रहा है आप ये बताइए कि पहले भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ था अब वो मल्टीलैटरल अलाइनमेंट की तरफ चल रहा है यानी कि पहले हम किसी एक से भी बंधे नहीं रहेंगे अब हम हर एक के साथ बातचीत बनाकर रखेंगे तो जब इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं इसीलिए

लीडर के रूप में अपनी छवि को थोड़ा पीछे छोड़ रहा है जैसे जैसे उसको नए रोल मिल रहे हैं हमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं नए रोल तो मिल रहे हैं बट वो राष्ट्रों के जो उपेक्षित राष्ट्र थे उनकी लीडरशिप को नहीं छोड़ रहा है उनको बेटर रिप्रेजेंट कर रहा है हमें यहाँ पे एग्जामिनर ने जो हमें फंसाने की कोशिश की है वो फंसना नहीं है और एग्जामिनर को एक बेहतरीन आंसर दे देना है कि वॉट यू आर सिंग इज राइट बट इट्स अ हाफ ट्रूथ एक्चुअली इंडिया क्या कर रहा है इंडिया बढ़ते हुए रोल को

राइट right? इसी तरह जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर फिशरीज को लेकर एक, एक एग्रीमेंट हुआ था तब भी इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन पे भी हम बाकी सारे राष्ट्रों को रिप्रेजेंट करते हैं है ना तो हम ज्यादा बेटर तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं समझ में आया राइट right? <coughs> समझ में आया बेमिस्टेक साउथ साउथ नहीं है बेमिस्टेक आपका एक्चुअली साउथ साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक है है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आसान हो जाएगा राइट <coughs> तो ये बताइए कि मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका समझ में आया ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि मैं अगर रिव्यू नहीं कर पाती हूँ एटलीस्ट आप क्वेश्चन को पकड़ना जाने देखिए, आंसर राइटिंग सेकंड चीज है फर्स्ट चीज क्या है क्वेश्चन को सही समझना अगर क्वेश्चन की डिमांड समझ ली टॉपर्स बोलते हैं ना वीडियो में कि क्वेश्चन की डिमांड पे लिखे हो सकता है आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो और वो नॉलेज सबसे बेस्ट हो बट अगर उस नॉलेज की वजह से क्वेश्चन की डिमांड एंड्रेस नहीं हो रही है एग्जामिनर बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होगा आपके नॉलेज से कई बार होता है ना हम पढ़ते रहते हैं और कमेंट सेक्शन में इंट नॉलेज जो है दिखती रहती है हम पढ़ कुछ और रहे हैं सेम इसी तरीके से जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है ज्ञान बहुत है मुझे ज्ञान बहुत है लेकिन क्या मैं क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रही हूँ क्वेश्चन में जो पूछा है यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितनी ज्यादा पढ़ाई की है कितनी नॉलेज आपको है इट्स नॉट एग्जाम ऑफ योर नॉलेज इट्स एग्जाम ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर तो क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करना पहले सीखिए जब एक बार पता चल गया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तब तो उसका आंसर करना आसान है कहते हैं ना आसान है तो आसान हो जाएगा ओके वेरी गुड चलिए अब हम चलते हैं कि आज हम कौन-कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अगेन वही कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुई है उसके अंदर एक बायोडायवर्सिटी को लेकर डील साइन हो गई है आज इसके बारे में छोटे जो है चीजों को देखेंगे कल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्ट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है सीबीडीसी जिसको बोलते हैं सीबीडी <coughs> इसके बारे में कल हमने पढ़ा था और अगर मैंने कन्वेंशन को इससे पहले कॉन्फ्रेंस बोल दिया है तो एम रियली सॉरी हो जाता है यार बोलने में है ना चलिए तो ये हम पढ़ेंगे नैन द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि <coughs> अगर ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड की इकनॉमी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए और इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है जैसे कल हमने एक पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन के पास अपना एक कोड है है ना तो वो प्रिल्स में पूछा जा सकता है कि भाई ये कोड किस कंटेक्सट में न्यूज़ में था सेम यहाँ पर भी क्या है एक मिनिमम टैक्स को लेकर यूरोपियन यूनियज ने यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने क्या है सहमति बनाई है सिंपल करके समझते हैं कॉम्प्लिकेट हो गया थोड़ा सा बात यह है यहाँ पर क्या हुआ है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कम से कम टैक्स देना चाहती हैं कम से कम टैक्स देंगे तो उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे राइट प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो हर किसी के लिए मज़ेदार है तो इसके लिए वो क्या करती है वो अपने आप को उन कंट्रीज के अंदर दिखा देती हैं डोमिसाइल अपना जिनको टैक्स हेवंस कहा जाता है वो कंट्रीज जो बेसिकली लोगों को इसीलिए अपने आप हाँ बुलाती हैं कि हम आपके ऊपर कोई खास टैक्स नहीं लगाएंगे तो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है टैक्स हेवन कंट्रीज में अपना डोमिसाइल दिखा देती है और टैक्स से बच जाती है इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके रेवेन्यू में लॉस हो रहा है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए इसके लिए जो ओ ई सी डी है ठीक है वो बेसिकली क्या है एक सॉल्यूशन लेकर आया है डिटेल में डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा मुझे लग रहा है कि शायद अभी मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है वेल थर्ड टॉपिक व्हाट आर द कार्बन मार्केट्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे है ना कार्बन मार्केट बहुत बार हम जो है पर्यावरण में पढ़ते हैं इंटरनेशनल लेवल पर एक वेल well बन चुका है, है right अपोजिशन की, की तरफ से काफी विरोध किया गया था तो ये कार्बन मार्केट है क्या किस तरीके से काम करता है क्या इसमें खरीदा बेचा जाता है बात करेंगे क्लियर देन द रोल फॉर इंडिया इन वाइड वेब शशि थरूर जी ने ये आर्टिकल लिखा है और वैसे तो आर्टिकल में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था हमने चुनिंदा पोर्शंस आर्टिकल के लिए हैं जो हमारे लिए काम के हैं राइट तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें से हमें आंसर में लिखने के लिए पता चलेंगी देन द दस्ट टू द कंट्री जस्ट फॉर सेविंग इन सिटीसी क्या होता है अच्छा हम लोग जो अभी वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं हम में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है क्या कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए इफ एनी इज वर्किंग प्रोफेशनल कमेंट <coughs> सेक्शन में बताइए एक बार एग्जेक्टली exactly, सही बोल रहे हैं आप लोग हम्म hmm. कंपनी यस कोमल करेक्ट ओके सत्य प्रकाश है ओके okay, ओके okay. तो आप तो पब्लिक सेक्टर में हैं, तो सी का मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे हालांकि आप भी समझ पाएंगे एंड वेलकम टू और क्लास ठीक है तो कोस्ट टू द कंपनी क्या होती है अगर मान लीजिए कोई कंपनी आप में से किसी को हायर करती है या फॉर एग्जाम्पल मुझे हायर करती है तो मुझे हायर करने के लिए कंपनी के ऊपर एक कॉस्ट लगती है भाई मुझे सैलरी सर देती है गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी है ना मेरे मेडिकल इंश्योरेंस शायद कोई ऐसा हो है ना कल को मुझे अपस्किल्ड करने के लिए कंपनी ट्रेनिंग वगैरह दे है ना कुछ उसके अलावा क्या है मेरा प्रमोशन वगैरह को लेके चीज़ें रहेंगी तो कंपनी के ऊपर एक कॉस्ट आती है जनरली होता क्या है कंपनीज सीटीसी को कम रखने का ट्राई करती हैं क्यों क्योंकि सीटीसी कम होगा लोगों को सैलरी कम देनी पड़ेगी इधर से पैसा बचेगा तो उधर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा लेकिन ये जो कम सीटीसी का एक ट्रेंड है इससे कंट्री के पे, कम रखने के चक्कर में कोस टू कंट्री कैसे ज्यादा हो जा रहा है ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे करेक्ट Okay, very good. You are a music teacher, that's great to know. <clears throat> good. चलिए तो ठीक है ये हम थोड़ा सा समझेंगे देन प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा वाला और एक प्रीलिम्स का हमारा कन्वेंशन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि सुपर कोचिंग आईएएस में अब देखिए आपको ओजांग आईएएस भी मिलेंगे इससे पहले मैं आपको बताती थी कि श्री राम लुकुमान आई एस निश्चय आई एस ये सब जो है सुपर कोचिंग में कोर्सेज के रूप में आपको जो है मिलते हैं सिर्फ एक ही फीस स्ट्रक्चर में अब वहाँ पर जो है ओजांग आई एस का जीएस फाउंडेशन का कोर्स भी एड हो चुका है जो कि वन ऑफ द ग्रेट टीचर माने जाते हैं यूपीएससी के प्रेपरेशन में और जो सांगवान जी हैं और जो श्रुति जी हैं उन्होंने बेसिकली सर के यहाँ से पढ़ाई भी की है उनके इंटरव्यूज में से उन्होंने बताया है तो ये जो है आप सुपर कोचिंग पर अवेल कर सकते हो विद अ वेरी सिंपल फीस स्ट्रक्चर जो कि बहुत कम है जैसे कि फीस हमारी जो है लगभग कितनी पड़ती है अगर बाकी कोचिंग सेंटर्स के कंपैरिजन में देखिए जहाँ पे दो लाख साठ हजार सत्तर हजार से नीचे कोई बात नहीं करता ये फीस हम आपको दे रहे हैं ओनली ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में इसमें भी अगर आप कोड लगा देते हैं अपने फैकल्टी का डैट इज प्राची सी ठीक है जैसे मेरा नाम प्राची चौधरी है तो प्राची सी अगर फैकल्टी कोड लगा देते हैं तो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है तो ये आप ले सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसके अलावा हमारे बहुत सारे फैकल्टीज के द्वारा लगातार आपके लिए क्लासेस लाई जा रही हैं उनको आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी के हिसाब से देख सकते हैं करेक्ट तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो फ्रंट न्यूज पे आया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 हुआ था जिसमें एक हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील जो है हमारी साइन हो गई है इसको किस नाम से जाना जाएगा तो ध्यान से देखिएगा एग्रीमेंट के नाम से इसको जाना जाएगा तो पूछा जा सकता है कि कुन्मिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए तो देखिए चार साल हो गए थे 200 कंट्रीज लगभग जिसमें भारत भी शामिल था बातचीत कर रहे थे अब वो फाइनली एक जैसा हमारा पेरिस एग्रीमेंट है ना जब हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं है ना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यू एन सी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि बहुत हिस्टोरिक माना जाता है राइट जिसमें ये बात हुई थी कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल टाइम पर जो है टू डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे रखना है कोशिश करनी है डेढ़ डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए इसी तरह का माना

वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की तो 69 परसेंट ड्रॉप हुआ है एवरेज में 1970 के बाद से और ये मैं किसने बताया जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 थी वर्ल्ड वाइड फंड डब्लू की तो अगर इतना सारा लॉस ऑलरेडी हो चुका है तो अब क्या करना चाहिए पहली बात तो जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो लॉस हो चुका है उसको रिवर्स करने का भी प्रयास करना चाहिए करेक्ट इसीलिए क्या है कि ग्लोबल बायोडावर्सिटी लॉस को रिवर्स करें इसके लिए क्या हुआ ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पंद्रवा वाला जो समिट हुआ था कनाडा के अंदर इसमें एक क्या है हिस्टोरिक एग्रीमेंट को अपनाया गया जिसमें देशों ने इस बात पर सहमति बनाई कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जैव विविधता का संरक्षण हो सके ठीक है कुनमिंग मोन्ट्रियल एग्रीमेंट याद रखना है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है हो सकता है कि यूपीएससी में तो देखिए अनप्रडिक्टेबल है पूछते हैं नहीं पूछते हैं लेकिन पीसीएस के की एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है हमें अपनी लैंड ओशियन और जो स्पेसीज हैं उनको पॉल्यूशन से डिग्रेडेशन से और क्लाइमेट चेंज से क्या है प्रोटेक्ट करना है जलवायु परिवर्तन की वजह से है ना और बेसिकली डिग्रेडेशन की वजह से प्रदूषण की वजह से जो हमारी ज़मीन हमारे समुद्र हमारी प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है ठीक है ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा अब इस पर क्या किया गया है थर्टी बाय थर्टी को एक्चुअली मेम्बर कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है इसमें क्या कहा गया है भाई एग्रीमेंट के अंदर कि थर्टी बाई थर्टी गोल जो है हम लेकर चलेंगे एक लक्ष्य होगा हमारा इसमें क्या करेंगे हमने एक प्लेच ली है कसम खाई है कि तीस परसेंट जो वर्ल्ड का लैंड है और सी है है ना उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे 2030 तक अब देखो हमने 50 बाय 50 भी एक पढ़ा था अब हम 30 बाय 30 पढ़ रहे हैं तो ये सब याद रखना है वी डोंट नो कब कौन सा पूछ लेगा तो 30 बाय 30 बाय 2030 तक जो विश्व की जमीन है जो समुद्र है उसका 30 प्रतिशत हमें बचा के रखना है ठीक है इंडिजीनियस राइट्स को लेकर यहाँ पर बात हुई है ठीक है स्वदेशी जो बेसिकली अधिकार हैं लोगों के स्वदेशी जो लोग हैं उनके अधिकारों को लेकर यहाँ पे काफी बात हुई है यहाँ पे ये यह बताया गया कि जो थर्टी बाय थर्टी प्लेज था ना इसमें भी ये कहा गया है जो इंडिजीनियस पीपल्स है खासकर जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं जंगलों में रहने वाले वनवासी लोग होते हैं या और भी लोग जो स्वदेशी लोग हैं उनके अधिकारों को हमें क्या है सुरक्षित रखना है ठीक है भाई मास इविक्शन जो है उसका वो सब्जेक्ट ना बने तो इंडिजीनियस राइट्स पर इस पर ध्यान दिया गया है इतनी सी लाइन याद रख लेंगे काम बन जाएगा ठीक है फिनेंस की बात करें तो यहाँ पे एक बात हुई है टेक्स्ट ने ये कहा है कि भाई जो रिच कंट्रीज होंगी वो कम से कम तो 20 बिलियन हर साल देंगी 2025 तक और उसके बाद 30 बिलियन हर साल देंगी भाई 2030 तक तो पैसे की भी बात हुई है और बेसिकली डबल कर दिया जाएगा और बाद में ट्रिपल कर दिया जाएगा जो इंटरनेशनल एड फॉर बायोडाइवर्सिटी दिया जा रहा है फिलहाल जो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक मदद दी जा रही है उसको डबल और ट्रिपल करने की बात कही है रिच कंट्रीज पहले 20 बिलियन देंगे फिर उसको 30 मिलियन कर देंगे साथ में एक ट्रस्ट फंड बनाने की बात की गई है एक ट्रस्ट फंड अगेन ट्रस्ट फंड को याद रखना है किस चीज़ से रिलेटेड है ट्रस्ट फंड बनाने की बात कही गई है उसमें यह कहा गया कि जो अभी पहले से एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म हमारे पास है एक ऑलरेडी हमारे पास पैसों के लिए है एक फंड जिसका नाम है ग्लोबल इनवायमेंट फैसिलिटी ग्लोबल इनवायमेंट फैसिलिटी ठीक ठीक है है इसके अंदर अब हम क्या बना बना रहे रहे हैं हैं एक ट्रस्ट फंड बना रहे है. ठीक है? ये बेसिकली भविष्य में हमें एक नया फंड बनाने में भी हेल्प करेगा यहाँ पे देखेंगे चाइना के जो मिनिस्टर थे बेसिकली वो चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को इतना क्लियर हो गया <coughs> कुछ दिक्कत हो रही है भाई जरा देखिए कटिंग में क्लियर नहीं शो होता उससे क्या फर्क पड़ता है हमको आर्टिकल और न्यूज को वेब इट इट्स ये मैंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर से कट करके लगाया हुआ है मतलब आप क्या बोल रहे हैं आपने कल शायद कमेंट भी किया था आपने सजेशन भी दिया था ओके okay, वैभव ये न्यूज़पेपर से ही जितने भी ये कटिंग्स हैं दीज आर ये सब न्यूज़पेपर से लिए हुए कटिंग्स हैं उतनी क्लैरिटी के साथ लिए गए हैं कि उनको मैं हाईलाइट करके फिर आपको पढ़ाती हूँ ताकि जब आप आर्टिकल पढ़ें एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज का आर्टिकल यहाँ पे कॉपी पेस्ट है उसमें मैं हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आर्टिकल में किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है है ना क्लियर हुआ आपको आपको शायद लग रहा है कि वो कटिंग नहीं है है ना कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्लियर हो गया इसको हम आने वाले दिनों में और डिटेल से पढ़ेंगे इसके प्रोविजंस वगैरह पे बात करेंगे ठीक है अब ये लगातार न्यूज़ में आएगा कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कुछ लोग इसकी तारीफ करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि बहुत हिस्टोरिक डील है क्वेश्चन आना इस पे संभावित है जैसे मैंने आपको कहा यूपीएससी में तो आ ही सकता है स्टेट पीसीएस के प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है चलिए दूसरा टॉपिक की हम यहाँ पे बात करते हैं द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस ठीक है तो यहां पे देखिए जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि भाई हम एक मिनिमम 15% परसेंट का टैक्स तो लगाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं गूगल फेसबुक नाइक है ना मल्टीनेशनल कंपनी जो भी हैं बड़ी बड़ी उन पर लगाएंगे बिग बिजनेसेस पर ठीक है देखिए 136 कंट्रीज टोटल थी उन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि बेसिकली अब एक मिनिमम टैक्स रेट लगाने का समय आ गया है ठीक है अगर हम एक मिनिमम टैक्स रेट लगाएंगे तो माना जा रहा है कि ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें करीब 150 बिलियन डॉलर का इजाफा होगा एनुअली ये तो जस्ट एक आप कह सकते हैं कंटेक्स था है ना अब समझते ये है क्या देखो दरअसल हुआ क्या था जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट है जिसको हम ओ ई सी डी भी बोलते हैं ठीक है ये टैक्स वगैरह को लेकर काफी सारी चीजें बताता रहता है कंट्रीज के द्वारा फॉलो की जाती हैं इनकी तरफ से टैक्स टैक्स और अवॉइडेंस को को लेकर लेकर भी भी बेस इरोजन को भी पहले कुछ चीजें की गई थी उसमें अभी नहीं जाएंगे अभी ये पढ़ते हैं तो ओ के अंदर टोटल एक कंट्रीज थी उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि अब टैक्स को लेकर एक मिनिमम रखने का समय आ चुका है OECD में दो पिलर बेसिकली एग्री किए गए थे ठीक है दो पिलर बेसिकली एग्री किए गए थे इसमें यह कहा गया था कि देखो जो पिलर वन है, है ना वो बात करता है टैक्स राइट की यानी कि टैक्स लगाने के अधिकार की बात करता है इसमें यह बताया गया ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से अगर पुराने टाइम को देखा जाए तो जो कंपनीज हैं वो अपनी होम कंट्रीज में टैक्स पे करती थी देखो पहले क्या था ना अगर कोई कंपनी का डोमिसाइल अमेरिका में रजिस्टर्ड है जो कि जनरली रहता था यूएस की सारी बड़ी बड़ी कंपनी थी तो वो टैक्स वहीं की सरकार को पे करते थे अब भले ही गूगल के हो इतने यूएस के भी नहीं है जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है भले ही फेसबुक के एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसा उसको बाहर की कंट्रीज से मिल रहा हो लेकिन टैक्स वो ना इंडिया को देते थे ना किसी और को देते थे वो टैक्स पे करते थे यूएस में तो बेसिकली टैक्स राइट होना किसका चाहिए था भाई जहाँ से आप कमाई कर रहे हो जिस जनता का जिस देश का पैसा आपको कमाई के रूप में मिल रहा है एक्चुअली में टैक्स आपको वहाँ देना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट तो आप यहाँ कमा रहे हो ना तो वो जो ई e है उसका जो पिलर वन है वो टैक्स राइट की बात करता है वो क्या कहता है हिस्टोरिकली बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है उन देशों में पैसा दिया जहाँ के डोमोसाइल पर वो रजिस्टर रहती थी लेकिन ज्यादातर अपना बिजनेस करती थी दूसरे विदेशों में करती थी मोर टैक्सिंग राइट जो है अब उन सरकारों के पास होने चाहिए जहाँ ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बिजनेस कर रही हैं अब मल्टीनेशनल कंपनी का काम क्या है मल्टी का नाम ही पड़ा है कि वो बहुत सारी नेशंस में काम करती है अब इस कंपनी का जहाँ जहाँ पे भी अच्छा खासा बिजनेस है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बिजनेस है वहाँ वहां पे उसके ऊपर टैक्स लगाने का राइट होना चाहिए अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो कल को जो डेवलपिंग कंट्रीज है विकासशील उनको ज्यादा टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा करेक्ट ये टैक्स राइट की यहाँ पर बात थी ठीक है तो ये हमें समझ में आया दूसरा देखिए हमने क्या किया एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की देखो पहले क्या हुआ बेसिकली जब आप बात करें कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन और फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थी मार्गेट थ्रेचर इन लोगों ने ये कहा कि अगर अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट देना है ना तो भाई एक तो सरकार कर सकती है लेकिन सरकार का एक लिमिटेशन है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी जब किसी कंपनी को आप ये लालच दोगे कि आप आओ हमारे यहाँ बिजनेस खोलो हम बहुत कम टैक्स आपके ऊपर लगाएंगे तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा फॉर हम अपने आप पंद्रह परसेंट ही लेंगे तो कंपनी अपना जो बेस है जो अपना क्वार्टर है वो कहाँ बनाना अच्छा समझेगी यूनाइटेड किंगडम में क्योंकि परसेंट टैक्स देना पड़ता है पंद्रह परसेंट बच रहा है ना तो बेसिकली रोनाल्ड रीगन और मार्केट थ्रेचर ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया उस कॉन्सेप्ट ने ये कहा इकोनॉमी के अंदर बूस्ट लेके आना है और वो बूस्ट आएगा हमारे प्राइवेट अगर प्राइवेट अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होगी के लिए कंपनीज को अपनी कंट्रीज में बुलाना पड़ेगा और उसके लिए टैक्स हमें कम रखना पड़ेगा जब एक कंट्री दो कंट्री ने ऐसा करना शुरू किया तो बाकी देश भी तो ऐसा करना शुरू करेंगे ना धीरे धीरे इंडिया ने भी तो अपने कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब्स को कम किया है करेक्ट तो यहाँ पे देखिए इससे बेसिकली क्या हो गया एक रेस टू बॉटम स्टार्ट हो गई यानी कि और टैक्स स्लैब कम और टैक्स स्लैब कम और टैक्स स्लैब कम ये रेस टू बॉटम जब स्टार्ट हो गई तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ सरकारें इतना कम टैक्स लगाने लग गई इन कंपनीज के ऊपर कि सरकारों का रेवेन्यू खत्म होने लग गया अब भाई सरकार चलती है रेवेन्यू पे अब प्राइवेट लोगों से तो तो रेवेन्यू रेवेन्यू कितना मिलता है 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 हालांकि इंडिया में में भी इनकम टैक्स टैक्स अच्छा खासा होने लग गया है। लेकिन कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ा शेयर होता है सरकार के तो इस बॉटम को खत्म करना जरूरी था तो अब जो OECD के अंदर ये क्या किया गया, ये ग्लोबल किया गया।, इसमें क्या कहा गया है ये OECD में छत्तीस कंट्रीज बैठे उन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन किया दैट इज आपका क्या था ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट दो पिलर उसमें माने, पहला पिलर कहता है टैक्स टैक्स राइट की बात बात जहां ज़्यादा बिज़नेस करोगे वहां पे आपके ऊपर लगाने का अधिकार सरकार को को होना चाहिए ये टू बॉटम खत्म करो एक मिनिमम तो डाटा दे दिया गया जिस पर यूरोपियन कंट्रीज ने फिलहाल हेवन कंट्रीज है वो तो खुश नहीं होंगी भाई वो तो डिसएग्री करेंगी वो कंट्रीज भी इससे खुश नहीं होंगी जो अभी भी अपने यहां टैक्स कम रख के कंपनीज को अपने यहां अट्रैक्ट करना चाहती हैं, राइट लेकिन जो कंट्रीज अपने एक रेवेन्यू जनरेशन करना चाहती हैं वो इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहेंगी लेकिन इससे होगा क्या ये जो ओ का एक प्लान है ग्लोबल टैक्स कार्टेल बनाने का कार्टेल मतलब क्या होता है अपने समान हितों के लिए ग्रुप काम कर रहा है जैसे ऑयल का एक कार्टेल है राइट तो कार्टेल एक ग्लोबल टैक्स का बन जाएगा लेकिन ये कार्टेल कब अच्छा काम करेगा जब इसका हर एक मेंबर फिफ्टीन टैक्स की लिमिट रखे अगर कोई एक भी धोखा दे गया कोई एक में ब्रीच कर गया राइट तो वो अपने यहाँ टैक्स कम कर देगा तो ये बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि कंपनीज को मतलब है जहाँ टैक्स कम है वहाँ हम जाएंगे राइट तो ये समझ में आ गया अब देखो ओ टैक्स प्लान ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा कर सकता है तो भाई एक तो रेस टू बॉटम जो थी ये खत्म हो जाएगी ये खत्म होगी तो रेवेन्यू जो है सरकार के पास अच्छे होंगे क्लियर तो ये हो जाएगा जो ग्लोबल इनक्वालिटी बढ़ रही थी उसको काउंटर करने में हमें हेल्प मिलेगी ठीक है क्योंकि जो लार्ज बिजनेस हैं वो एक्चुअली टैक्स हेवन की जो सर्विसेज का फ़ायदा उठाते थे वहाँ लो टैक्स पे करके इससे उनको जो है फ़ायदा अब नहीं मिलेगा क्योंकि जहाँ उनका सब्सटेंशियल बिज़नेस होगा वो कंट्री उन पर एक मिनिमम टैक्स लगा सकती है ठीक है इसके अलावा एक और दिक्कत होगी फ़ायदे तो होंगे मैंने क्या कहा हर चीज़ के पॉजिटिव अगर होता है तो कॉइन के अन अदर साइड नेगेटिव भी होता है इससे क्या होगा टैक्स कंपटीशन नहीं रहेगा देखो पहले क्या हुआ एक ने टैक्स कम किया दूसरे ने भी कम कर दिया जैसे ट्रेड वॉर हुआ था एक ने टैरिफ बढ़ाए दूसरे ने बढ़ा दिए इसी तरह टैक्स कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा कि भाई अब सबको है इतना टैक्स तो लगना ही लगना है तो कल को क्या होगा सरकार अपने यहां टैक्स बढ़ा सकती है सिटीजंस पर टैक्स का बोझ पड़ सकता है तो इसके बीच में एक जो है बैलेंस होके चलना जरूरी है तो क्या है कि क्रिटिक्स ये बिलीव करते हैं कि जो टैक्स कंपटीशन का ये डर था ना ये सरकारों के ऊपर चेक रखता था अदरवाइज सरकार क्या करेगी जो बढ़ चढ़ के वो खर्चे करती हैं उसका भार जो है सिटीजन्स पर डालना शुरू कर देंगी इज इट क्लियर इज इट क्लियर ओ सी डी क्लियर नहीं हुआ आपको ओ प्लीज डोंट से सॉरी बाबा है ना मैं कमेंट थोड़ा बाद में देखती हूँ सॉरी नहीं बोलने का है चीज़ें क्या होती है क्लियर करना अच्छा होता है ना आपका कोई डाउट है मेरा तो काम है उसको क्लियर करना राइट ओके चलिए आगे चढ़ते हैं ना चलिए आगे चलते हैं है. अब देखिए अभी क्वेश्चन एक आया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट क्या है तो हियर इज द आंसर ये गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है यानी कि आर्थिक स्थिति को लेकर अर्थव्यवस्था को लेकर काम करने वाली एक अंतर सरकारी संस्था है इसके थर्टी एट है और इसको फाउंड किया गया था भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस और जो विश्व व्यापार है इसमें जो है बढ़ावा दिया जाए 1961 में इसको स्थापित किया गया था हेडक्वार्ट पेरिस फ्रांस में है ठीक है ये वर्क करता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और सॉल्यूशंस हैं वो लेकर आए जाएं है ना जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सोशल से रिलेटेड हो इन्मेंट से रिलेटेड हो ठीक है ये बेसिकली क्या काम करता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जॉब क्रिएशन स्ट्रॉन्ग एजुकेशन और इंटरनेशनल टैक्स इवेजन से कैसे लड़ा जाए इन सारी चीजों को लेकर ठीक है।, है तो यहां पे क्या ध्यान इंडिया, साथ में चाइना साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया इसके की पार्टनर्स हैं तो इंडिया इज नॉट अ में पार्टनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ये थोड़ा सा प्रीलियम के लिए याद रखिएगा ठीक है तो ये क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब समझते हैं कार्बन मार्केट्स क्या होते हैं राइट तो कार्बन मार्केट्स को समझने के लिए मुझे चाहिए एक वाइट पेज चलिए थोड़ा सा यहां पे देखते हैं अगर हो पाता है पॉसिबल परफेक्ट देखिए बात करते हैं कार्बन मार्केट की just a second बात करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड मार्केट की अब एक बात बताइए बेसिकली दुनिया में क्या चल रहा था इंडस्ट्रीज थे वो पॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मीथेन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ये सब आपके एनवायरमेंट के अंदर जा रहे थे इसके अलावा कुछ आपके व्हीकल्स वगैरह भी सेम एमिशनस कर रहे थे इन सोन इस तरीके से आपका क्या हो रहा था एक मान लीजिए ये अगर आपकी पृथ्वी है इसके ऊपर एक लेयर एक ब्लैंकेट सा जो है स्टैब्लिश हो जा रहा था जिससे होता क्या था जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पे आ तो पा रही थी लेकिन वापस नहीं जा पा रही थी इसकी वजह से जो अर्थ है बेसिकली ये सैड हो गई क्यों क्योंकि इसके यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया इसको हमने क्या कहा कि भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अब इस ग्लोबल वार्मिंग को एक बात बताओ रूट कोर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ ये जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था बाकी गैसेज भी रिस्पॉन्सिबल है बट कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो है अपने हिस्सा देता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ये रिमूव भी नहीं होता जल्दी से है ना तो अब हमने देखा इस सारी प्रॉब्लम की रूट कोस था ये अब इस रूट रूटकोस को अगर कम करना है तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना होगा भाई अब कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करना इतना आसान तो था नहीं क्योंकि कार चलानी बंद नहीं कर सकते कोयले से बिजली बनानी बंद बन नहीं कर सकते फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दें फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर दें सोलर प्लेट्स के प्लांट लगा दें जो सूरज की एनर्जी से क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं राइट right? और क्या कर दें फॉरेस्ट लगा दें जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और बेसिकली और ज़्यादा फूड क्रिएट करते हैं क्लियर और क्या कर दें छोटे छोटे जो पानी होता है उससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना स्टार्ट कर दें ठीक है इसके अलावा क्या हो सकता है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसे तरीके ले आए जिससे ये जो पर्यावरण में पहले से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई थी इसको हम क्या कर दें स्टोर कर ले यूज कर ले सिक्वेंस कर ले इन तरीकों से क्या हुआ इन तरीकों से ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज या तो कम हुई या तो रिड्यूस हुई भाई है ना या फिर क्या हुई हमने कैप्चर कर लीजियोमेंट में थी है ना या फिर भाई क्या हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ अब मान लो ये जो एक कंपनी है बड़ी सी ठीक है फॉर एग्जाम्पल नाइक की कंपनी है ठीक है इनका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि हमारा ये मिशन इतना ना हो इधर मान लो एक एन है जिसने गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े लेवल पर फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया है अब एक डाटा आप उसे पता चला कि इससे चार टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है आपकी कम हुई है करेक्ट अब इस कंपनी को ये चार टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी थी लेकिन ये कर नहीं पाए सरकार ने कहा भाई करनी है तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कम कर दें भाई वो मुश्किल है वो सरकार भी नहीं चाहेगी क्या कर सकती है इस एनजी से ये जो चार टन कार्बन डाइऑक्साइड था जो कम हुआ है ये खरीद ले परचीज कर ले ठीक है और ये क्या कर दे ये इसको सेल कर दे और बीच में क्या है कुछ मनी वगैरह इन्वॉल्व हो जो इस एन को मिल जाए जो वो बाद में उन गांव वालों को सपोर्ट कर दे या फिर नया वो लगा ले ठीक है नहीं डो डो डोंट डोंट कमेंट ऑन माय पेंटिंग हाँ बस समझ लो देखो मैंने पहले कहा है कि आई एम नॉट अ गुड गुड पेंटर तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया बस क्लियर होना चाहिए हमने क्या समझा ये कंपनी अगर इसे इस कार्बन डाइऑक्साइड खरीद ले ये इसको बेच दे अब खरीदना और बेचना होता कहाँ है खरीदना और बेचना बेसिकली होता है बाजार में तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम लाया गया जिसको हमने कहा कि भैया एक कार्बन, कार्बन एमिशन के लिए हम मार्केट लेकर आएंगे अब वो बिकेगा कैसे भाई गैस कैसे बेच दे हमने क्या कहा एक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एक कार्बन क्रेडिट के बराबर होगा ठीक है अब एक कार्बन क्रेडिट की कीमत कुछ तय कर लो मार्केट के हिसाब से तो अगर मान लो आपके पास चार टन कार्बन डाइऑक्साइड थी तो आप चार जो है कार्बन क्रेडिट बेच सकते हो ये सारा जो ट्रेडिंग होगा ये सारा आपका कार्बन मार्केट के अंदर होगा दिस इज द कार्बन मार्केट समझ में आ गया अब इसका एक बड़े लेवल पर एग्जाम्पल ले जाते हैं बड़े लेवल पर एग्जाम्पल कैसे ले जाते हैं देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक कंट्री है यूएस ठीक है और ये एक कंट्री है मान लो अफ्रीका के अंदर कॉन्गो ठीक है दिस इज अ डेवलप्ड कंट्री दिस इज अ डेवलपिंग कंट्री इनका कार्बन अब दुनिया में कह दिया गया भाई आपको अपने कार्बन एमिशन कम करने हैं कॉन्गो के तो पहले ही कम थे उनके यहाँ कुछ ऐसा मतलब चल ही नहीं रहा था मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आई डोंट नो कि कॉन्गो का कम है या नहीं ठीक चलिए ऑनेस्टली अब यूएस क्या करे कोंगो में जाकर कुछ फॉरेस्ट को लेकर काम कर दे कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ प्लांट वगैरह लगा दे कुछ काम कर दे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया सी ओ टू को कम करने में मदद की अब ये उन्होंने जो मदद कम की इसके क्रेडिट्स वो यहाँ पे अपने लिए यूज कर ले तो वो क्या कहेंगे देखो हमने वहाँ कम किए तो उनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है ठीक है समझ में आया तो जो मैंने कंट्रीज वाला बताया वो एक अलग सिस्टम है वो बेसिकली आपके जो क्लाइमेट चेंज हमारे यूनिफ ट्रिपल सी वाला है वहाँ पर काम करता है यहाँ पे हमने जो कंपनीज वाला समझा है वो ध्यान में रखा है इतना क्लियर हो गया कार्बन क्रेडिट ही नहीं क्लियर हुआ अरे बाबा बताया ना अभी देखो हमने क्या करना है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है है ना इसको क्या करना है हिंदी में लिख देती हूँ बेचना है अब भाई कितनी गैस कितने के बराबर होगी फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह देते हैं कि भाई जो एक तोला सोना है ठीक है वो कितना होगा फॉर एग्जाम्पल पचास हजार ठीक है तो हमने सोने को देखो सोना तो कहीं ऐसे अयसक के रूप में पड़ा हुआ था उसको प्यूरीफाई करके हमने बिस्किट्स बनाए इन बिस्किट्स को कोई वेट दिया उस वेट की हमने कीमत रख दी क्लियर सेम तरीके से हमने क्या कहा एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम ये कह देते हैं कि वो एक कार्बन क्रेडिट होगा हमने ये डिसाइड कर लिया अब अगर कोई 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम करता है तो 10 कार्बन क्रेडिट उसके पास है 10 कार्बन क्रेडिट को किसी को बेच सकता है क्लियर बहुत बढ़िया शाबाश चलिए ये हमें समझ में आ गया अब जब हमें ये समझ में आ गया तो अब हम समझेंगे अपने आर्टिकल को ठीक है तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया था 2022 में उसने क्या कहा भाई सरकार एक कार्बन मार्केट इंडिया में जो है ला सकती है और एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ला सकती है अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम समझ में आ रही है ना कि वो जो कार्बन के क्रेडिट्स उनके ट्रेड की यहाँ पे बात चल रही है देखो इतने से वर्ल्ड को समझाने के लिए उतनी बड़ी हमने खूबसूरत पेंटिंग बना दी है ना पेपर पढ़ने में ये चाहिए होता है चलिए अब देखो दरअसल कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था तो मैंने क्या बताया यून ट्रिपल सी तो चले जाओ और मैंने उसमें भी क्या बताया था जब हमने सी सी पढ़ा था हिस्टोरिक एग्रीमेंट पेरिस जैसा हुआ है तो पेरिस देखो क्यों हिस्टोरिक था समझो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसका जो आर्टिकल नंबर सिक्स था वो दरअसल एक इंटरनेशनल कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट लेकर आया था ठीक है हालांकि उसमें और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन बेसिक बेसिक्स यही है तो क्या इंटरनेशनल कार्बन मार्केट लेके आया था ताकि जो देश हैं जिन्होंने कहा है कि हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर रखने के लिए अपने करेंगे तो उसमें लोगों को हेल्प मिल सके भाई भारत सरकार ने कहा ना इंटरनेशनल लेवल पर कि जी ये हमारे जो है राष्ट्रीय रूप से प्रतिबद्धित कुछ लक्ष्य हैं इनको हम अचीव करेंगे इतनी रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे इतनी कार्बन कम करेंगे इतने वन लगाएंगे टोटल इन सबसे मिला के हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे करेक्ट तो इसके लिए ये इंटरनेशनल कार्बन मार्केट लेके आया था ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें कार्बन क्रेडिट जो है आपके खरीदे और बेचे जाते हैं क्लियर हो गया अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है रिड्यूस कर रहा है कर रहा है पर्यावरण से उसको जो है कार्बन क्रेडिट मिलते हैं यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक डाटा बताया कि दरअसल तिरासी प्रतिशत जो कंट्रीज ने अपने ये नेशनली डेटरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल किए हैं उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का फायदा अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं अब दो तरह के कार्बन मार्केट आज के ज़माने में बेसिकली दिखते हैं पहला कौन सा है वॉलेंटरी मार्केट है वॉलेंटरी मार्केट का मतलब स्वैच्छिक है ठीक है स्वैच्छिक है तो इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है आप कार्बन क्रेडिट को खरीदते हो अपने अमीशन को ऑफसेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है एज अ कंपनी 25 अमीशन करना था बट मैंने 30 कर दिया तो मुझे पांच कहीं से ऑफसेट करना पड़ेगा तो वॉलेंटर यह है, है मैं किसी से खरीद एक ओपन मार्केट चल रही है ठीक है यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने भैया क्या किया हो वनीकरण किया हो और बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हो समझ में आया ये एक तरीका है दूसरा एक होता है कंप्लायंस मार्केट ये जो कंप्लायंस मार्केट होता है इसमें कुछ पॉलिसीज वगैरह के द्वारा इसको सेटअप किया जाता है ये पूरा का पूरा ऑफिशियली रेगुलेट होता है एक स्वैच्छिक मार्केट है और एक ऑफिशियली रेगुलेटेड मार्केट है इस तरह के दो मार्केट के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं कॉन्सेप्ट वही रहता है जो हम अपने पेंटिंग से समझे अब चैलेंजेस क्या हैं देखो कितना बढ़िया लग रहा था वो देखने में भाई कार्बन बिक गई है ना अब चैलेंजेस क्या है यूएनडीपी कहता है कि भाई ऐसा ना हो जाए डबल काउंटिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन हो जाए डबल काउंटिंग का मतलब क्या हुआ किसी ने एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया है ना दूसरे ने उसको खरीदा लेकिन बदले में उसने उतना अपना एमिशन कर दिया समझो मुझे बीस करना था मैंने पूरा बीस एमिशन ही किया है ना फिर मुझे लेकिन क्या करना था सरकार ने कह दिया अब आपको पंद्रह करना रहेगा तो मैंने एमिशन बीस ही किया लेकिन पाँच किसी ने कम किया वो पाँच मैंने खरीद लिए अब देखो पाँच वहाँ कम हुए कहीं वो भी काउंट ना हो जाए और पाँच जो यहाँ खरीदे गए बीस के पंद्रह मेरे बन गए ये भी ना हो जाए तो डबल काउंटिंग ना हो जाए कहने का मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड क्या पता रिड्यूस बस एक टन हुई हो लेकिन काउंट वो दो टन ना हो जाए ये एक दिक्कत है फिर क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी की दिक्कत है भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है इसकी क्वालिटी कैसी है परमानेंटली तरीके से रिमूव हो गया क्या ट्रांसपेरेंसी का मामला कैसे जज करेंगे कि एक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ या क्या हुआ देना सर्टिन इश्यूज़ जो अभी एड्रेस करने बाकी हैं करेक्ट तो ठीक है ग्रीन वॉशिंग की एक बात आती है ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है बिल्कुल भी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पे काम नहीं करती कोई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती कोई रिन्यूएबल पे एनर्जी पे काम नहीं करती सीधे कार्बन क्रेडिट खरीद ले आती हैं तो इससे फाइनली ढाक के तीन पात्र कुछ तो ऐसा नहीं हुआ जिससे फाइनली कार्बन कम हो भाई आप भी करो मैं भी करूँ एक ने किया दूसरे ने खरीद लिया तो देर आर सर्टेन इश्यूज करेक्ट अब नए बिल में क्या चिंता है तो देखो पहली बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर एक ऑथो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एजेंसी को ऑथोराइज कर देगी जो इस तरह के कार्बन सर्टिफिकेट्स को इश्यू करेगा अब देखो जो ओपोजिशन थी उसने कहा था इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास से दो लेकिन सरकार ने नहीं भेजा तो उस बात पे दिक्कत थी फिर यहाँ पे बेसिकली ये कहा कह जा रहा है कि जो कार्बन सर्टिफिकेट्स होंगे जो कि बेचने वाले तर, नेचर के होंगे है ना ये क्या होंगे गया बेसिस पे अभी होगा ठीक है अपोजिशन मेंबर कह रहे हैं ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करेगा इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है आपने कह दिया सरकार के पास पावर है या सरकार किसी अथॉरिटी को बना दे कि उसके पास पावर है पर ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करेगा यह आपने नहीं बताया दूसरा अपोजिशन ये कह रही है जनरली विश्व में जितने भी एग्जाम्पल देखे गए हैं कार्बन मार्केट से रिलेटेड वो वहां का जो पर्यावरण मंत्रालय होता है मिनिस्ट्री होती है वो हैंडल करती है यहाँ पे ये बिल पावर मिनिस्ट्री के द्वारा टेबल किया गया है ठीक है तो ये ध्यान रखना है फिर उन्होंने ये कहा कि अब भारत में दो तरह के सर्टिफिकेट्स पहले से अवेलेबल हैं ठीक है क्या है एक आपके पास है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट आर एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ई भाई अगर आपने जितनी आपको एनर्जी चाहिए थी उसका कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से लिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट आर सरकार देती है या जितनी एनर्जी खर्च कर सकते थे उससे कम में अगर आप कर रहे हो तो एनर्जी कम आपने यूज किया उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है क्या इन सर्टिफिकेट्स को कार्बन क्रेडिट्स जो मिल रहे हैं उनके बदले एक्सचेंज किया जा सकता है तो मुद्दा वही का वही रहा कार्बन मार्केट इज अ गुड कॉन्सेप्ट बट इसका क्या मैकेनिज्म होगा कौन अथॉरिटी होगी कैसे काम करेगा जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स है उनको आप इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे देर आर क्लियर बढ़िया चलिए ये क्लियर हो गया टाइम भी हो गया यार क्लास का जल्दी जल्दी करते हैं ठीक <clears throat> है अब देखो रोल फॉर इंडिया इन अ शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा है देखिए अभी क्या है एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी जो है कर, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि भैया ये जो एक दुनिया है जो ज्यादा पॉजिटिव टाइप की पिक्चर नहीं दिखा रही भारत इसमें की और एक ब्रीजिंग टाइप का रोल जो है निभा सकता है और ये स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने फिर आगे जो है आर्टिकल में लिखा है उन्होंने कहा पैक्सा इंडिका में भी मैंने एक्चुअली कुछ इसी तरीके की बात की थी कि जो एमर्ज होता ग्लोबल नेटवर्क है ना इंडिया का इसमें एक रोल होगा ठीक है हम इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं दो दो इक्कीसवीं शताब्दी की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे तब जब मैंने पैक्स इंडिया लिखी थी शशि थरूर जी कह रहे हैं लोगों ने इतना समझा नहीं था अब वो फाइनली उसकी बात यहाँ पर होने लगी है देखो उन्होंने ये कहा शशि थरूर जी ने कि जो एक एरा था ना कि कोई एक कंट्री अपने आप को वर्ल्ड लीडर के रूप में बताती थी वो अरब हो चुका है खत्म और बीजिंग को भी ये सुन लेना चाहिए चीन को भी ये सुन लेना चाहिए वर्ल्ड लीडर का कॉन्सेप्ट हो चुका है खत्म अब बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में मोर काम ये करेगा कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है अलग अलग जो कंट्रीज के अपने नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है कौन सी कंट्री उनके तर... उनके बीच में ब्रिज का काम कर पा रही है और इंडिया वो कर पा रही है इसीलिए इंडिया को लेकर इतने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें चारों तरफ देखने को मिलते हैं उन्होंने कहा जो वर्ल्ड लीडर वाला वर्ड है ना ये बड़ा ही आर्किक टाइप का मोशन है तानाशाही जैसा ये वाइब देता है ठीक है वर्ल्ड लीडरशिप मतलब तानाशाही तो किसी कंट्री को वर्ल्ड लीडर होना क्या बनाता है भाई क्या हो किसी देश के पास की वो कंट्री वर्ल्ड लीडर कहलाएगी क्या किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा हो तो भैया इंडिया के पास बहुत पॉपुलेशन है चीन को भी हम हटाने वाले हैं क्या किसी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो भाई भारत के पास जो है चौथी सबसे ज्यादा स्ट्रोंग मिलिट्री है क्या तो किसी तो नेशन के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो तो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है 1998 में हम साबित कर चुके हैं कुछ सालों बाद इंडिया और यूएस का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गया था कि हमारे पास नाभकीय शक्ति परमाणु शक्ति है ठीक है तो अब क्या ये किसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको वर्ल्ड लीडर बनाती है तो परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की मानी जाती है आज के टाइम पे राइट right? तो क्या ये सारी चीज़ें किसी को वर्ल्ड लीडर बनाती हैं नहीं क्योंकि अभी भी भारत के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ स्टैंडर्ड जो एक होने चाहिए उससे भी नीचे जीवन जी रहे हैं राइट right? उसके होते हुए भी हम फिर भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन वर्ल्ड लीडर वाला कॉन्सेप्ट हम एग्री नहीं करते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे हो रहा है पुराना अब एक नया कॉन्सेप्ट आया गया है वर्ल्ड वाइड वेब का देखिए हम इंटरनेट के लिए यूज करते थे ना कि इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है सारी चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं बुन गई हैं भारत भी इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर एक बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है अपने आप को भी और बाकी कंट्रीज के एक दूसरे के रिश्तों के बीच में भी भारत एक थर्ड पार्टी के रूप में अपने आप को स्टैंड कर रहा है यहाँ पे क्या है जैसे जैसे वर्ल्ड का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है मल्टीपल नेटवर्क जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं नेटवर्क ऐसे हैं जहाँ पे एक बहुत सारे मेम्बर ओवरलैप भी करते हैं और जहाँ पे अलग अलग भी है फॉर एग्जाम्पल भारत रशिया का दोस्त है चीन के साथ हमारे खट्टे संबंध रहते हैं खट्टे मीठे राइट तो खट्टे सादा तो लेकिन फिर भी रशिया और चाइना को लेकर हमारा एक त्रिपक्षीय जो है है RIC, है बातचीत चलती ठीक अब हमने क्या किया और साउथ अफ्रीका को ऐड करके बना लिया ब्रिक्स ठीक है फिर हमने सब कर दिया रशिया और चाइना को हमने बनाया आई बी एस है ना इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फिर हमने एक साउथ साउथ कोऑपरेशन बना लिया फिर हमने चाइना को रख लिया रशिया को एक्सक्लूड कर दिया बेसिक बना दिया फिर हमने इन्वाट नेगोशिएशन के लिए बेसिक बनाया इस तरीके से हमने अलग अलग नेटवर्क्स बनाए जिसमें अलग अलग दोस्तों दुश्मनों के हमने कुछ समीकरण बनाए ठीक है ये क्लियर हुआ <coughs> ठीक है ये समझ में आया अब देखो वो ये कह रहे हैं कि अब इंडिया जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से बिलोंग करता है जिसने कोलोनिज्म को एक्सपीरियंस किया हुआ है जो एक इतनी अच्छी डेमोक्रेसी है जो पचहत्तर साल से बहुत बढ़िया चली आ रही है हम एक लीडिंग लाइट है अगर बात करें दुनिया के लिए ठीक है बाकी समूह में भी हम हैं जैसे जी सेवन सेवन के अंदर हम हैं

तो हमारी ग्रेट एबिलिटी है जो इन सारे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ एक साथ लेकर चल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हमारे उनके साथ अल अलग अलग हित उनके अलग अलग मेंबर और हम एक साथ लेके चल रहे हैं दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया राइट right? ये यहाँ पे उन्होंने उन्होंने बोला अब कहा इंडिया एक्चुअली मूव कर गया नॉन अलाइनमेंट से दुनिया पे से, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ चले गए हैं अब हम ये नहीं कहते नाम तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ हम अकेले नहीं अब हम ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ भी हम तुम्हारे साथ भी हम तुम्हारे साथ भी

नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ से इंडिया जा रहा है मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग याद कर लेना इसको तो ठीक है अब देखो अगर आज की बात करें इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से है जो अपनी सॉवर्निटी को ग्रांटेड ले सकते किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी संप्रभुता को डेयर कर सके तो ये हमारी टेंशन नहीं है कि कोई आएगा और हमारी जमीन छीन लेगा ठीक है पोस्ट कॉलोनियल कंसर्न थी ये तो कि भैया सेल्फ प्रोटेक्शन भी हमें चाहिए है ना लेकिन आज क्या है इंडिया ने उस टेंशन से लेकर कि भाई कोई आके हम पे जो है कब्जा ना कर ले आज जो है ग्लोबल रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और इस पूरी यात्रा में भारत ने बहुत कुछ देखा है एक तरह से हम यही डरते थे कोई आके हम पे अटैक ना कर दे आज हम बैठकर वैश्विक मंचों पर विश्व के लिए रूल बनाने में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं करेक्ट तो ठीक यहां पे उन्होंने बोला कि जयशंकर जी ने जो सजेस्ट किया है रिसेंट रिमार्क में लगता है कि उसका इवोल्यूशन देखना वर्थ वॉचिंग रहेगा अब हमने जो मीन्स का क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा था वहां से कुछ कुछ पॉइंट्स यहां से लेकर वहां यूज कर सकते हो नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं जितनी ग्रुपिंग्स का मैंने नाम लिया उन ग्रुपिंग्स का नाम आप ले सकते हैं कि देखो इन इन ग्रुपिंग के अंदर इंडिया जो है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज की कॉन्सन को लेकर काम कर रहा है तो बात बन जाएगी सबका साथ सबका विकास बिल्कुल बढ़िया ओके okay. क्लियर हो गई ना चीजें यार टाइम भी हो गया अपना है ना सी <coughs> टी वाला एक आर्टिकल रह गया है तो इसको क्या करें फिर कल कर ले है ना टाइम क्योंकि अपना हो गया ठीक है वाले को जिस दिन, में आर्टिकल्स होंगे, उस दिन शेयर कर वाले अगेन वही क्वेश्चन है मैं हिंदी में बता देती हूं, वैश्विक में भारत द्वारा प्राप्त नई भूमिका के कारण उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों के नेता के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है विस्तार से समझाइए ये हिंदी में यूपीएससी ने ऐसे ही लिखा था

भाई जो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी ये कब साइन हुई अर्थ समिट इन रियो दे जेनेरियो 1992 ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम क्योटो प्रोटोकॉल 1997 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ठीक है भाई कमेंट सेक्शन में आंसर देना जरूर से ठीक है यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं प्लीज यार बहुत मेहनत लगती है चीजों को क्लियर करके आने में क्योंकि मैं सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाती हूँ न्यूज़पेपर क्या कह रहा है इन बिटवीन द लाइंस की जो पढ़ाई होती है वो हम यहाँ पे करते हैं एडिटोरियल की प्लेन रीडिंग पीपीटी बना के ले आऊँ उसमें टेक्स्ट लिख दूँ बहुत सारा फिर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ दूँ आपके सामने है ना तो क्या फ़ायदा होगा तो मेहनत अगर फैकल्टी कर रहा है आप भी करो वीडियो इसको शेयर करो लाइक करो कमेंट करो प्लीज़ टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो टेलीग्राम का अकाउंट बढ़ाना है लाइव का अकाउंट बढ़ाना है है ना फैकल्टी को भी देखिए परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है अपनी क्लास का कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है क्या रह रहा है राइट तो बढ़िया से पढ़ो एकदम जोर लगा दो यार यूपीएस से फोड़ देना है ठीक है यूपीएससी का एकदम क्रैक करके ही सांस लेनी है तब तक लगे रहना है मिलती हूँ आपको बहुत जल्द नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार जय हिंद